बर्बादी का जर है ये। इसको राजा कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम तो चाहेंगे कि हम ही बन जाएं। नमस्कार, मैं रिया रजक और आपका स्वागत करती हूँ मैं पीटीएन न्यूज में। अभी हम पटना के मरीन ड्राइव में मौजूद हैं, तो हम जानते हैं आम जनता से कि इस बार देश का राजा कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी, उनके सिवा दूसरा अभी कोई है ही नहीं। अभी जो है नरेंद्र मोदी के सिवा किसी को ताकत नहीं है कि इस उनके समक्ष में कोई खड़ा हो सके, इसलिए राहुल गांधी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस बार देश का राजा कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल मोदी? नरेंद्र मोदी। क्यों? नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, पर यहाँ तो लालू यादव या और विपक्षी पार्टी बोल रही है कि सब फालतू की पार्टी है। नरेंद्र मोदी एक ही अच्छा पार्टी, नरेंद्र मोदी। फालतू की पार्टी किसको बोल रहे हैं? सब पार्टी बेकार है, नरेंद्र मोदी के आगे सब बेकार है। पर देश का राजा कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ऐसे तो हम नरेंद्र मोदी का फैन है, उसी का फैन रहेंगे। अब वो ऐसे राहुल गांधी का तो फैन नहीं है। इस बार देश का राजा कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? 50-50 कहिएगा। इस बार देश का राजा कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र? जो देश के लिए काम करता है, जो काम करेगा वो बनेगा। आपको क्या लगता है कौन काम करेगा? जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आप ये जुमलेबाजी किसको बोल रहे हैं? मैं बोला जुमलेबाजी कोई भी करे उसका राज नहीं चलेगा, जो भी करे। मैं बोला दोनों में से कोई भी करे उसकी राज नहीं चलेगी, जो काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। इस बार देश का राजा कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम तो चाहेंगे कि हम ही बन जाए। अरे आप क्या काम करेंगे जनता के लिए, जो ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नहीं कर पाए? देखिए नरेंद्र मोदी जी 10 साल बने ना, राहुल गांधी जी मैंने है ना जी विपक्ष में, हम लोग बेरोजगार हैं तो हम लोग भी 5 साल सत्ता में आएंगे तो राजा बन जाएंगे। जब वो लोग बन रहे तो हम लोग भी बन जाएंगे, 5 साल में क्या दिक्कत है। इस बार देश का राजा कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम तो राहुल गांधी को ही बनाना चाहेंगे। राहुल गांधी को क्यों, लोग तो उनको पप्पू कहते हैं। अरे कोई बात नहीं, पप्पू बोलने से क्या हो जाता है किसी के बोलने से, बताइए कुछ होता है क्या उनके बोलने से? नरेंद्र मोदी जी इतने 15 साल अभी राज किए ना, क्या किए वो देश के लिए? हम लोग ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं अभी, बताइए कुछ मिला हम लोगों को? रेल बेच दिए, देश बेच दिए, सारा कुछ बेच दिए, क्या किए हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किए हैं। बताइए इस बार देश का राजा कौन बनेगा, राहुल गांधी या ये नरेंद्र मोदी? राजा कोई भी रहे, रंक जनता ही रहेगी। राजा कोई भी बनेगा, रंक का जनता ही रहेगी, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो। आपको क्या लगता है कौन बनेगा, आप अपना बताइए? मेरा तो विजन है कि मोदी बनेंगे। क्यों? उनका विजन अच्छा विजन है, जिसके प्रति उसका काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख रही हैं मतलब डेवलपमेंट है। देश का राजा कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देश का राजा तो अभी नरेंद्र मोदी है। क्यों? उसने बहुत कुछ दिया, सुविधा दिया, देश को आगे बढ़ाया, बीजेपी के राज में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ। और क्यों? देश का राजा कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? दो ही ऑप्शन है तो राहुल जी को बना दीजिए। राहुल गांधी को बना दीजिए। क्यों राहुल गांधी? क्यों राहुल गांधी को तो सब पप्पू बोल रहे हैं। क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख रहा है लड़का, सीख रहा है। केजरीवाल भी ऑप्शन है, नीतीश जी का ऑप्शन नहीं है। सही बात है, नीतीश जी का भी ऑप्शन रखिए, ऐसा थोड़ी होता है। बोलिए, नीतीश जी का तो ऑप्शन है, पर आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी तो आप तो आपने तो दो ही डिफर हां, इसलिए आप तो राहुल गांधी को सपोर्ट करते जी। ये राहुल गांधी ने क्या किया बताइए। अरे अरे भाई क्या करा, मतलब कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो भाजपा के सामने राहुल गांधी कैसे खड़े होंगे, ये सवाल है, क्योंकि भाजपा के अगेंस्ट आ गई ये सारी पार्टी। जी जी, कैसे जीतेंगे भाजपा के अगेंस्ट? भाजपा कह रही है कि 400 पार। अरे अब तो ये मैं नहीं बता सकता कैसे जीतेंगे, बट हम वो कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं। राइट, हां वोट क्या सोच के दीजिए? मैंने उनके वो देखे, बातें सुनी है, मतलब ये लगा कि हां बंदा भी सही बोल रहा है। राइट, आप लोगों को युवा प्रधानमंत्री चाहिए? जी जी, चेंज चाहिए, मतलब बेसिकली चेंज चाहिए। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्यों? क्योंकि 10 साल में जो देख रहे हैं भारत का जो विकास जो है वो हम लोग के समझ में बहुत अच्छा है, और शासन भी अच्छा है, सब चीज के मामले में सब चीज अच्छा है। देश का राजा कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? एक तरह से अभी देखा जाए और कहा जाए, अभी 10 साल का जो ये सरकार चला रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब है ना, उसके कंपैरिजन में अगर अभी सरकार को चेंज होना जरूरी है, बदलाव है,
देश का राजा अगर रियल में अभी होना चाहिए तो अभी कांग्रेस चाहे राहुल गांधी होना सही रहेगा, अभी देश की जनता के लिए भी और देश के लिए भी। नहीं तो ये देश को जिस स्थिति में लेके ये जा रहे हैं ना सरकार ने, तो बाद में जनता फिर वही कटोरा लेके हाथ में आ जाएंगे। किस स्थिति में लेके जा रहे हैं? किस स्थिति में ले जा, अब देख रहे हैं ना गरीब को क्या हो रहा है ना, 5 kg अनाज बोलते हैं कि फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में कोई कैसे मैंने कहा ऐसा ही होता है क्या है ना, देश को तो बर्बाद करना है। युवा को देखिए ना, युवा को क्या किया, बर्बाद कर दिए, कितना रोजगार दिए आप बोलिए अभी है ना, आप बताइए अभी कितना रोजगार दिए मोदी जी अभी आपके लिए है ना। और देश के किसान के लिए क्या करें, इन्होंने कहे थे 2022 में हम किसान की आय को दुगुनी कर देंगे, क्या दुगुनी हुआ आप बोलिए तो, क्या पूछे हैं कहाँ इलाज दे रहे हैं, किसको इलाज दे रहे हैं, कहाँ इलाज दे रहे हैं, किसको इलाज दे रहे हैं आप बोलिए तो सही है ना। रियलिटी में अगर कहा जाए ना तो देश के लिए अभी बर्बादी का जर है ये, इसको निकालना बहुत जरूरी है। हम किसी पार्टी से नहीं है या किसी नेता से नहीं, हमें ना ठीक है ना, हम सही बता रहा हूँ आपको है ना, देश के युवा के लिए मैं बता रहा हूँ, युवा के भविष्य का ये बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ रोजगार है आपका, आप पढ़ लिख लिए हैं, कहाँ आपका रोजगार है, जो एजुकेशन आपके पास है क्या आपके पास रोजगार है बताइए आप भी तो, क्या रोजगार है आप, बस यही पत्रकारिता लेके ना, बस यही पत्रकारिता लेके ना, इसके सिवा और क्या, पकौड़ा तलो, क्या कहते हैं गोलगप्पे बेचो, क्या कहते हैं चाय बेचो, इसके बाद ये क्या रोजगार है आपका है ना, आप ही बताइए तो है ना, ये रोजगार है आपका है ना। आप एजुकेशन एक बीटेक कर लियो, डिप्लोमा कर लियो, या आपको एजुकेशन के लिए अच्छा डॉक्टरी ले लियो और डॉक्टर कहते हो जाकर पकौड़ा तो लो, ये तुम्हारा क्या हो रोजगार हो गया क्या, नहीं है। देश का ये खतरनाक चीज़ है, आप 70 साल पीछे चले गए, याद रखिएगा ही ना मेरे बातों को आप है ना, जो बोल रहे ना आप 70 साल आगे हैं, जो बोल रहे ना इनके जो आदमी देश आज़ाद अब हुआ आपका है ना, ये नहीं हुआ है, आप 70 साल पीछे अभी है आप ही ना, ये बात को आप समझ लीजिए ना। जितना आपके ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि देश के एक नए प्रधानमंत्री को आवे जो देश के हित के बारे में सोचे, जो हाँ बदलाव चाहते हैं, हमारे जितने युवा हैं सारे बदलाव चाह रहे हैं आपको है ना, बस यही चाह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मतलब नया ना राहुल चाहिए ना कोई भी चाहिए, कोई अच्छा नेता आवे जो ईमानदार हो। आप जितने भी ईमानदार है देखिए सबको जेल करता है, देख लीजिए अभी केजरीवाल को भी जेल कर दिया है ना, कोई भी बोला सीधे CBI कर दो, कोई भी आवाज उठाओ सीधे मैंने उसको क्या कर दो, जेल कर दो, अंदर कर दो, क्या ये नीति क्या, राजनीति क्या, ये आपका दबंगा ही चल रहा है, ये आपका शासन चल रहा है, किसी का नहीं रहा, इंदिरा गांधी का भी नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। आप एक बात ध्यान रखिए खोल के ना, आप भी जाओगे एक दिन, जिस दिन आप आ गए ना जनता के आ गए ना, उस दिन आप भी उसी तरह से जाओगे।